हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जैसा कि आप लोगों को पता है, बीटी यूपी ने आपके और सेमेस्टर की परीक्षा रिलीज कर दी है। और सेमेस्टर में हम बात कर रहे हैं आपके जो फर्स्ट ईयर है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड ईयर जो है आपका उसमें थर्ड सेमेस्टर, और जो थर्ड ईयर है उसमें हम फिफ्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। इसकी परीक्षा बीटी यूपी ने रिलीज कर दिया है, अगले महीने में आपकी परीक्षा होनी है। तो बच्चों, आपकी परीक्षा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए हम लोग आपके लिए सुपर 30 क्वेश्चन की सीरीज निकाल रहे हैं। सुपर 30 क्वेश्चन में आपको एक एक क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा कि उसमें दो तीन क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अधिक बेहतर बन सके। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को जो बेसिक डेफिनेशन है आपकी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो बेसिक डेफिनेशन है उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन आपकी पूरी बुक में घूमती रहती है, इसलिए इनके बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया हुआ है जिसे हम फेज डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। इस फेज डायग्राम में, फेज डायग्राम हम क्यों बनाते हैं, सबसे पहले बात आती है कि फेज डायग्राम हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो हमारी मृदा होती है, जैसे कि सामान्य रूप में पड़ी हुई मृदा, उसमें यदि हम उसकी तुलना करें कि उसमें क्या हो सकता है, उसमें हम देखेंगे कि उसमें एक तो ठोस पदार्थ हो सकते हैं, पानी हो सकता है और वायु हो सकती है। जब इन तीनों पदार्थों को अलग अलग करके चित्र बनाकर दर्शाया जाता है तो उसे हम फेज डायग्राम बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फेज डायग्राम बनाया है, इसमें सॉलिड, वाटर एंड एयर, इन तीनों को मैंने यहाँ पर अलग अलग दर्शाया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस सॉइल का भार व्यक्त किया है इधर, और इस साइड में मैंने इसे आयतन के रूप में दिखाया है, ठीक है। तो चलिए, जो भी ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं इनके बारे में एक बार देख लेते हैं ये क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम कैपिटल डब्ल्यू की, ठीक है। ये आपका, आपकी जो सॉइल है उसका कुल भार है, ठीक है। आपकी सॉइल, आपकी जो सॉलिड है, वाटर है एंड एयर है, इन तीनों का जो टोटल मिला के वेट है वो आपका कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया गया है आपका, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं डब्ल्यू एस की। जो डब्ल्यू एस है वो आपके जो सॉलिड है आपकी सॉइल में उनका वेट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डब्ल्यू डब्ल्यू की। आपकी सॉइल में जो वाटर मौजूद है उसका वेट डब्ल्यू डब्ल्यू से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यू ए की। आपकी जो सॉइल में जो एयर है उसका वेट भी यहाँ पर डब्ल्यू ए से डिनोट किया गया है। अब यहाँ पर इसी प्रकार आयतन के पदों में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वी, जो कैपिटल वी है, वो आपकी सॉइल का कुल आयतन है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब बात करते हैं हम वी एस की। ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, यानी कि आपके सॉइल में जो भी सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम है, ठीक है। अब बात करते हैं वी डब्ल्यू की। ये वाटर का वॉल्यूम है और वी ए एयर का वॉल्यूम है। अब बात आती है वी वी की, ठीक है। तो जो आपके सॉइल में जो एयर वॉइड्स होते हैं, जो आपकी सॉइल्स में वॉइड्स होते हैं, यानी कि जो रंध्र स्थान होते हैं, रंध्र स्थान दो तरह से हो सकते हैं, एक तो वायु के रूप में और एक वाटर के रूप में। सॉलिड के रूप में रंध्र स्थान नहीं होंगे, ठीक है। तो वाटर और एयर के रूप में जो रंध्र स्थान है उन दोनों का कुल आयतन वी ए से डिनोट किया गया है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो बच्चों, ये सभी पॉइंट्स आप जान चुके होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं बेसिक डेफिनेशन की ओर। जो बेसिक डेफिनेशन हैं इन्हीं के परस्पर अनुपातों से बनाई गई है, ठीक है, जिससे कि हमें आगे आने वाली गणनाओं में आसानी हो, हम मृदा के बारे में और भी अधिक बेहतर तरीके से जान सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिक्तता अनुपात की, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है आपका? वॉइड रेशियो को हिंदी में रिक्तता अनुपात कहते हैं। रिक्तता अनुपात रिक्त स्थानों के आयतन तथा ठोस कोणों के आयतन का अनुपात होता है। क्या बोला मैंने? रिक्तता अनुपात जो होता है आपका, उसे हम ई से डिनोट करते हैं। ये रिक्त स्थानों के आयतन आयतन और ठोस कोणों के आयतन का अनुपात होता है।
रिक्त स्थानों और ठोस कणों के आयतन का अनुपात होता है, ठीक है। इसे हम ई से डिनोट करते हैं। रिक्त स्थानों का आयतन होता है आपका वी वी अपॉन वी एस, ठीक है। ये सूत्र आप याद रखिए, आगे की गणनाओं में इस सूत्र का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम पोरोसिटी की। पोरोसिटी को बोलते हैं हम हिंदी में सरंध्रता। पोरोसिटी जो होती है आपकी, वो रिक्त स्थानों के आयतन से कुल आयतन का अनुपात आपका पोरोसिटी कहलाता है। क्या बोला मैंने? जो आपके रिक्त स्थान होते हैं इनका कुल आयतन से अनुपात आपका पोरोसिटी कहलाता है, सरंध्रता कहलाता है, ठीक है। इसे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एन इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी, ठीक है। इसे हम एन से डिनोट करते हैं। अब बात आती है आपके वाटर कंटेंट की, ठीक है। वाटर कंटेंट आपका क्या होता है? जलांश। जलांश को हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये जल के भार और ठोस कणों के भार का अनुपात होता है, ठीक है। क्या होता है आपका जलांश? जल के भार और ठोस कोण के भार का अनुपात ही आपका जलांश कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हिंदी में हम संतृप्ति अंश बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? संतृप्ति अंश। इसे हम SR से डिनोट करते हैं। ये मृदा में जल के आयतन तथा कुल रिक्त स्थानों के आयतन का अनुपात होता है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, जो मैं इन सब के बीच में रिलेशंस करवाऊंगा उनमें इन सभी का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, इसलिए आपको इनकी डेफिनेशन और इनके सूत्र आप लोगों के याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं हम परसेंटेज एयर वॉइस। परसेंटेज एयर वॉइड्स को प्रतिशत में ही प्रदर्शित किया जाता है। जो आपके वायु रंध्रों का आयतन होता है उनका कुल आयतन से अनुपात आपका परसेंटेज एयर वॉइड्स कहलाता है, यानी कि आपकी जो वायु रंध्रों का आयतन होता है उनका कुल आयतन से अनुपात आपका परसेंटेज एयर वॉइड्स कहलाता है। इसे हम यानी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे प्रतिशत में ही प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व की, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व जो होता है आपका वो पदार्थ के इकाई आयतन का भार और जल के इकाई आयतन के भार का अनुपात होता है, जिसे हम विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, ठीक है। इसे हम जी से डिनोट करते हैं। पदार्थ के इकाई आयतन का भार, यह भार से भार का अनुपात होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के इकाई आयतन का भार, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी इंडेक्स यानी के घनत्व सूचकांक या फिर रिलेटिव डेंसिटी भी, ठीक है। घनत्व सूचकांक को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को हम आईडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो आपका अधिकतम रिक्तता अनुपात होता है और प्राकृतिक रिक्तता अनुपात का अंतर तथा अधिकतम रिक्तता अनुपात और न्यूनतम रिक्तता अनुपात का जो अनुपात होता है उसे हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? आईडी क्या होता है आपका?
जो आपका अधिकतम रिक्तता अनुपात होता है, अधिकतम रिक्तता अनुपात और प्राकृतिक रिक्तता अनुपात का अंतर, तथा अधिकतम रिक्तता अनुपात और न्यूनतम रिक्तता अनुपात का अंतर, और उनका अनुपात आपका रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, इस सूत्र को आप याद रखिए, ये अक्सर ही आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर तक का पूछ लिया जाता है, टिप्पणी के लिए भी पूछ लिया जाता है, इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, और इस पर एक कभी कभार एक आधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इन इन चीज़ों को आप याद रखिए। अब बात करते हैं हम बल्क डेंसिटी की। बल्क डेंसिटी, ठीक है, बल्क डेंसिटी आपकी क्या होती है, इसे हम गामा बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम गामा बी से डिनोट करते हैं। जो सामान्य मृदापिंड होता है, जैसे कि ये आपका सामान्य मृदापिंड का फेज डायग्राम है, इसमें सॉलिड, वाटर एंड एयर, इनमें तीनों शामिल होती है। ठीक है, जब जो आपका सामान्य मृदापिंड होता है उसका जो घनत्व होता है उसे हम बल्क डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी बल्क डेंसिटी जो होगी वो मृदा के कुल भार और कुल आयतन का अनुपात होती है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम ड्राई डेंसिटी की। ड्राई डेंसिटी इसे हम गामा डी से डिनोट करते हैं। ड्राई डेंसिटी क्या होती है आपकी, जब आपका मृदापिंड शुष्क अवस्था में आ जाता है, यानी कि जब उसमें से जो आपका वाटर होता है वो पूरा का पूरा वाष्पीकृत हो जाता है, उसमें केवल सॉलिड एंड एयर ही रह जाती है। जो आपका वाटर का रिक्त स्थान होता है उसका स्थान भी एयर ही ले लेती है, तो इस प्रकार के पिंड को हम ड्राई सोइल मास बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पिंड होता है उसमें पानी पूरा का पूरा वाष्पीकृत हो जाता है और वो ड्राई कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपकी ड्राई डेंसिटी होती है वो मृदा के सॉलिड का भार और उसके कुल आयतन का अनुपात होती है। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक्स थे आपके, जो हम सुपर 30 क्वेश्चन में से आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे उनके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे ये टॉपिक थे, तो इन ये टॉपिक आप लोगों के याद होने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपको सुपर 30 क्वेश्चन में। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी।